की मंच जो है स्वर्ग श्री जाग में सिंह मंच की जो कमेटी का हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। पीछे भी इन्होंने मुहिम चलाई थी। अपना जो ये वैरायटी है ना या बोड़ी को मोह है सस्ता में ज्यादा है गौर कम करती है ये चेते में रहने की बात है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने जात सूरजमल जी की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को यह पता लगा हमारे बुजुर्ग किसे थे रहे क्या लिखा पूरे इंडिया के अंदर जात बरादरी की संख्या 2% है, मगर इनके खून के अंदर हौसला ऐसा है कि भी फौजदारी बनानी पड़ी जात रेजिमेंट। अगर मर्डर देखोगे तो कौन सी कौम लेके आती है, ये कुछ एक मार्शल कोम में होती है, बनने से नहीं होता है, खून के अंदर होता है। कैसे वो पार्वती बाई समझाती है सदाशिव राव भाव को क्या लिखा क्या बता सूरज मल में ना के पिया ओए बखत पड़े पा सर चलेगा जान हो क्योंकि आपका ना काम बोरी है मगर जान बहुत बड़ी है। के कहला दीवा पार्वती बाई सूरज मल ने यह मना किया था भाई सर्दी सर्दी का टाइम लड़ाई का डाल दे बोला क्यों, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हो वहां पे समय एक सा लगता है, आपके सैनिकों से ठंड सहन नहीं होगी और जो अहमद साहब का लिया नागराम का ठंडा एरिया है वो अपने से हैवी पड़ेंगे। और एक बात और थी वीर भी गली आ करते बुजुर्ग भी गली आ करते क्यों आ करते रोटी टुकड़ा समारदारी के लिए अतिये विकार हो गए पहली गली में वो पार्वती बाई धन्यवाद चैनल यूट्यूब जो आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे अजीज मित्र भाई सोनू बेरी से सर्वप्रथम भाई का मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। लाइव भी चल रहा है, ये लाइव चला हुआ है जगबीर मलिक जी की फेसबुक आईडी से जोगिंदर मलिक जी वो बहुत पुराने मास्टर जी हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। वो एक छोरा कल आ गया
बना मासा जी गा तो लू कोई आदमी को ना मन शर्म आई रहा मोड़ मोड़ा मासा जी शुरुआत करेगा। आप हमें बता देते हम आपके बच्चे हैं पहली कली में क्या लिखा रहे देते मासे जी के चरण स्पर्श करते हैं। ये स्वर्ग श्री जात में है सिंह मंच की तरफ से कमेटी सौर के समान समान करती है। दिल की गहराई से धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे पिता तुले कैप्टन सतपाल मारवाल जी सौर के आशीर्वाद देते हैं। मारवाल साहब का दिल की गहराई से धन्यवाद। इतनी बात जब उसने पार्वती बाई ने कही तो सदा शिव राव बाहू को छोड़ यहां से मनो लगा लगा बोली हो रही है तेरा काम रोटी टुके चाहिए हो करेगा नहीं सियानी मत बने क्या समझता है दूसरी गली में क्या लिखा जी।
कवि के नाम से। यह कवि है मित्रोदा साहब, हरियाणा पुलिस में कार्यरत है, दुपर धन से है। इन्होंने इस बात की रचना की है, स्पेशल फॉर्म आया बना बताइए मेरा जी कर भाई, ये आप आओ वहां जी, जरूर कोशिश करेंगे। भाई साहब नंदा साहब मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये हमारे बच्चे भाई अरमान सर्प से मान सम्मान करते हैं, परमात्मा से अरदास, मैं बड़ा हूं कभी अपने माँ बाप का, गांव का, पुहान का, अपने राज्य का नाम रोशन करे, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये अजयपाल नांदर जी जिनका आज के कार्यक्रम में विशेष योगदान है, सहयोग है, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ये राजेश नंदर जी हमारे अजीज मित्र, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद। लोकला की पियाजी मुगलों ने भी एक भूल करी थी, एक रागनी सुनी होगी आपने, किसने कह दिए जाट को तेरी, गोकुला जाट ईसा जाट था, अब मुगला की रियासत थी, किसानों को ऊपर कर बढ़ा रखे थे, उनका कर घोष कर किसानों ने वापिस करा करता, औरंगजेब ने 80,000 सैनिक लेके उसको पकड़ लिया, और सजनों एक के कांगड़ी काटी थी, अगर खून बहता रहे उसका बदला पियाजी मेरा क्यों कर लिया था, अकबर की कब्र खोदनी थी और उसकी हड्डियों में आग लगाई थी, दान संस्कार करा था, अगर किसी भाई को ना बताओ, ये जाटों के अंदर ये जोश है, यानी कि ये ताकत है, ये पियाजी मत मतलब एक भूल तो मुगला में करी थी, तू मतलब क्या लिखा निवासी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। जब अपने खून की, अपने पूर्वजों की बातों का पता लगता है, सब आप है जो सारा 100 रुपए से मान सम्मान किया, दिल की गहराई से धन्यवाद।
ये भाई जगवीर फौजी खेमीगढ़ से बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे गाने। बताया फौजी साहब ने राजा राम था जिन्होंने अकबर बादशाह की कब्र में से हड्डी खोद के जिसका अंतिम संस्कार किया था। ये भाई आजाद बहुत अच्छे गाएंगे। चौधरी मेहर सिंह जी के पुत्र बहुत अच्छे गाने वाले। क्या दिल की जवाब से धन्यवाद नुकलना की है किया जी। गणे दूध की गांस है लेकिन मैं कह ना उसका अनुभव है। 80 लड़ाई लड़ी अपने जीवन में कभी आ रहा हूँ। पानीपत की लड़ाई हुई थी, सकरात वाला दिन था। क्या लिखा रहे हैं बताई। बनारमा सूरजमल का पूरा किस्सा बना था। एक जने ने बोला भाई गणिया था, बोला भाई इस किस्सा ने तू बना तो देगा फिर सुनेगा कौन। बहुआ का बना ले कृष्ण भगवान का बना ले, बोला सारे सुनेंगे। मेरी बात इससे मैं ऐसी कोई बात नहीं है, दुबर ढंग से है। उस कवि के नाम से जोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। क्या लिखा तो ठीक है।